मुरैना में रविवार सुबह अज्ञात बदमाशों द्वारा शहर के जीवाजीगंज में राम जानकी मंदिर के पास गोली मारकर ट्रैक्टर एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी को घायल कर भागने में सफल रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त घटना थाना सिटी कोतवाली थाने के अंतर्गत घटित हुई थी। कर्मचारी चरण सिंह लोधी को गोली मारने वाले 10,000 रुपए के इनामी दो बदमाशों को थाना सिटी कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने खोज निकाला। संयुक्त पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह घटना सुपारी लेकर चरण सिंह लोधी को जान से मारने की नीयत से की गई थी। इस घटना में नरेंद्र लोधी और राजू लोधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त 32 बोर की पिस्टल भी पुलिस ने जब्त की। आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर नया गांव रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया जाना पुलिस ने बताया है। वही पुलिस को गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि विवाद पैसों के लेन देन को लेकर इन्हीं के परिवार के जितेंद्र राजपूत से इनका विवाद चल रहा था और उसी के द्वारा सुपारी देकर चरण सिंह लोधी की हत्या कराने का प्रयास किया था। इस मामले में सुपारी देने वाला एडवोकेट जितेंद्र राजपूत अभी फरार है। कल शहर का जीवाजीगंज है, यहाँ पे एक करीब 10-10 बजे एक युवक जो की मोटरसाइकिल जा रहा था, इसको पीछे से दो आरोपी जो एक अन्य मोटरसाइकिल में थे आके इसको गोली मारी और गोली मार के जब ये गिर गया तो दोनों आरोपियों ने आके इससे पास से करीब 5-6 राउंड फायर किए। ये पूरी घटना एक CCTV में कैद हो गई। जब इसमें डिटेल में गए तो ये चरण लोधी करके एक सेल्स एजेंट है जो कि ट्रैक्टर एजेंसी में काम करता है, और जब आगे इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला कि इसका एक जितेंद्र और पटेल लोधी से कुछ पैसे का बड़ा लेन देन था, जिसके कारण जितेंद्र की तरफ से ये दो आरोपियों ने इस पर गोली चलाई थी। इसको करीब 5 गोलियां लगी हैं, जिसमें से ग्वालियर रेफर हुआ। अभी सुबह तक उसकी हालत खतरे से बाहर थी। इसमें 307 का अपराध दर्ज करके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और बड़ी मेहनत से 12 घंटे के अंदर ही इसमें मुख्य दो आरोपी जो थे इनको टल्ली उर्फ नरेंद्र और राजू को अरेस्ट किया। और घटना में प्रयुक्त तो जो 32 बोर की कंट्री मेड देसी पिस्टल थी, इसे भी बरामद किया है। इसमें एक थर्ड आरोपी जो कि मेन था जितेंद्र और वकील, ये अभी फरार है, जिसके लिए टीम हमारी लगी हुई है। और इसमें जो दो हथियार यूज हुए थे, एक ये कंट्री मेड पिस्टल थी जो कि बरामद हो गई है, और एक जितेंद्र का लाइसेंसी हथियार था, वो 32 बोर की रिवॉल्वर थी जो कि राजू के पास थी जिससे उसने फायर किए थे, ये बरामद होना शेष। उर्फ जितेंद्र के मिलने पर ये क्लियर होगा, पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा ये जो दो आरोपी हैं ये दूर से सभी आपस में रिश्तेदार भी हैं और नशा करने के भी आदी हैं। तो सामान्यतः जब आदमी स्मैक या इस तरह के नशे लेता है तो बहुत छोटे से अमाउंट के लिए भी अपराध घटित करता है। तो वकील और जितेंद्र जब हिरासत में आएगा उससे पूछताछ में क्लियर होगा कि ये किस तरह के पैसे लेन देन की आरोपियों से बात हुई थी कि कितना पैसा देने पे घटना को अंजाम देगी। पुलिस उसे पकड़ने के प्रयास में लगी है। मुरैना से दिलीप दीक्षित की रिपोर्ट।